Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Michael and welcome back to another gameplay video which is called GTA 5. तो अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हम लोग आज माइकल के साथ खेलने वाले हैं और माइकल सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है। उसके अलावा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इस एपिसोड में आज फाइट होने वाली है लेस्टर के न्यू लैब्राडोर डॉग की वर्सेस हमारे ब्लैक पिटबुल की। तो जो ब्लैक पिटबुल है अभी आप लोगों को पता होगा फ्रैंकलिन दोस्तों से अपने साथ लेके गया हुआ था और उसी एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रैंकलिन ने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे उनको काफ़ी तगड़ा धोया था, क्योंकि भाई वो जितने भी वर्कर्स थे वो लेस्टर को लंगड़ा लंगड़ा बोल के चिल्ला रहे थे, तो गाइस जिसके कारण से फ्रैंकलिन ने उनसे बदला लिया था। तो अभी दोस्तों हम लोग सीधा जो है फ्रैंकलिन के घर जाने वाले हैं, क्योंकि डॉग जो है वो मेरा डॉग है, ब्लैक डॉग जो है पिटबुल का वो हमारा है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों घर पे अमेंडा जितनी भी अकेली रहती है मैं उसे टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ, तो जिस हिसाब से दोस्तों अमेंडा की हालत आप लोग देख पा रहे हो पीछे पी पी के एकदम टल्ली हो चुकी है। तो अभी जल्दी से फ्रैंकलिन माइकल जो भी है वहाँ पर वो सब लोग पहुँचने वाले हैं, ठीक है, और आज फाइट होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप लोगों ने, ठीक है। और जो भी चैनल पे न्यू है तो गाइस प्लीज़ चैनल को जाओ अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही रोज़ाना आप लोगों को शार्प @11 AM आप लोगों को डेली GTA 5 की वीडियोस देखने को मेरी तरफ से मिलती है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये रही गाइज हमारी अपनी अमेंडा। अमेंडा को दोस्तों आप लोग देख ही पा रहे हो कितना ज़्यादा दोस्तों उसने जो है बिगड़ी हुई, एक तरह से बिगड़ी या फिर आप लोग बोलो इसकी जो है बैड हैबिट्स को काफ़ी ज़्यादा लग गई हैं। और इससे जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बोलती है ऑल गुड विद यू, आई थिंक आई फील मेकिंग प्रोग्रेस। तो ऐसी प्रोग्रेस की जा रही है जो कि दोस्तों वाइन लेके की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, इसे यहीं पर छोड़ते हैं, अभी चलते हैं गाइस। जो ब्लैक पिटबुल को मेरे को नहीं लड़वाना भाई अब किसी से, मैं भाई उसे वापस लेके आ जाता हूँ। लेकिन गाइस वहां पर जो लैब्राडोर है जो कि दोस्तों मिक्स ब्रीड है, किस किस का लैब्राडोर प्लस रॉटविलर, ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों उसका नाम मैंने रखा है लैब्विलर, ठीक है। लैब्विलर दोस्तों दोनों काफी अच्छा कंबाइंड नेम है और आप लोगों को दोनों के उसमें दोस्तों आप लोगों को गुण देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोस्तों प्लेएबल भी है, एंटरटेनमेंट भी है, साथ में इंटेलिजेंट भी है और काफ़ी ज़्यादा रॉटवेलर का अग्रेसिवनेस भी उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो अभी जल्दी से दोस्तों माइकल जो है ये वाली कार लेके निकल चुका है। अब ये वाली कार लेके दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर, वहाँ से दोस्तों फ्रैंकलिन को हम लेंगे वहाँ से, ठीक है। तो जल्दी से गाइस अभी चल लेते हैं, क्योंकि गाइस टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और मैं जल्दी से कार को भगा रहा हूँ, आप लोग खुद देख पा रहे हो। और कभी हम लोग कार भी चेंज करेंगे तो गाइस मैंने प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पे एक बढ़िया कार देख ली है जिसका नाम है बुकाटी एडर। कलर आप लोग कल वाले एपिसोड में देख लोगे, मैंने उसे बोल दिया है कि भाई प्लीज़ मुझे वाली कार तुम ला के दो। तो प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स से सीमियों दोस्तों हमारे लिए लेके आया हुआ है। वैसे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली कार बेचता है, लेकिन उससे बड़ा शोरूम यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो दोस्तों हम लोग वहीं से लेके आते हैं। ओके, जैसे ही मैं गाइस यहाँ पर आता हूँ ऊपर की तरफ कितने ज्यादा बंदे बैठे हैं भाई, ओ भाई चल क्या आ रहा है भाई, ओ भयंकर। अच्छा हुआ गाइस मेरी जो कार है वो बुलेट प्रूफ है, तो अभी मैं अंदर ही रह के थोड़ा बहुत मोर्चा संभाल लेता हूँ, इनको थोड़ा बहुत घायल कर देता हूँ। गाइस आप लोग देख पा रहे हो जिस हिसाब से हमारे ऊपर कांच में बरस रहा है एक तरह से पूरी गोलियाँ, वो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो वो बिल्कुल ही बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल थी। और गाइस अगर मेरी कार बुलेट प्रूफ नहीं होती तो अभी तो गाइस मैं मर चुका होता। तो आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस काफ़ी तेज़ से हमारे ऊपर बारिश हो जा रही एकदम गोलियों की, और आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस यहाँ पर मुझे एक काम करना पड़ेगा, अब मेरे को निकालनी पड़ेगी अपनी RPG लॉन्चर। तो ओके गाइस मैंने अभी अपनी RPG लॉन्चर निकाल ली है और गाइस मैं दनादन इन पे मारता जा रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे हो इतनी स्पीड से जा रही है कि आप लोगों को गेम थोड़ा रुकता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप लोग खुद देख पा रहे हो यहाँ पर। लेकिन गाइस मैं RPG बहुत ही तेज़ी स्पीड से मार रहा हूँ जिसके कारण से मुझे कोई भी रोक नहीं सकता अब यहाँ पर। अबे भाई ये हो क्या आ रहा है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखा कि फ्रैंकलिन के पास यहाँ पर आते हुए यहाँ पर देखा गाइस मैंने कितने ज़्यादा बंदे यहाँ पर लगे हुए हैं मुझे मारने के लिए। तो गाइस ये लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर का पूरा कहर है। अब देखो सब मर गए, ये देखो भाई एक हीरो को बचा हुआ है यहाँ पर, लेटे लेटे मुझे गन मार रहा है। भाई जिसके आगे तोप हो तुम उसके पास क्यों ही जाओगे। तो ओके गाइस मुझे अंदर पता लगा है फ्रैंकलिन वहाँ पर नहीं है, तो फ्रैंकलिन को देखने के लिए मैं डायरेक्ट निकल चुका हूँ लेस्टर के घर पे। और गाइस वहाँ वाला का सीन सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अगर मैं भाई सीधा पैदल जा रहा होता या फिर साइकिल से जा रहा होता, बाइक से जा रहा होता, गाइस आज मेरी लाश पड़ी होती। कम से कम ना तो 100 गोली तो आराम से मेरे ऊपर बच गई होती, 100-200 गोली। अभी ये लड़की क्यों बुला रही है, स्टॉप एनीबडी। चलो भाई रुक गए, क्या हो गया आपको बताओ मैडम जी, कम ऑन क्विक दिस वे।
चलो आते हैं। शी वॉज स्क्रीमिंग नो एंड सी जस्ट किप्ट हिटिंग हर। अच्छा कोई अंदर लड़की है गाइस, उसको कोई मार रहा है। तो ये लड़की मेरे को बचाने के लिए आई हुई है। ओके जैसी गाइस मैं यहाँ पर जाता हूँ, तीन गुंडे आ जाते हैं। अब भाई ऐसे कहानियाँ ना, मैं बच्चा रोज खेलता हूँ ऐसे मौत का खेल, जैसे आप लोगों ने धमाल में देखा होगा मौत का खेल। तो गाइस इन बंदों ने इस लड़की को बोला था कि तुम बाहर जाके ऐसा नाटक करो और जैसे ही वो अंदर आएंगे तो हम उसे लूट लेंगे। तो चलो इस लड़की का इसमें कोई दोष नहीं है, लड़की को छोड़ देते हैं। और वो जो तीन बंदे थे उनको मैंने मार दिया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब सीधा चलते हैं कहाँ पर, लेस्टर हाउस पे। तो गाइस अभी हम लोग लेस्टर हाउस जाने वाले हैं और वहाँ पर देखने वाले हैं कि लेस्टर का लैब्राडोर हमारे पिटबुल के साथ कैसा वो करता है, मतलब फाइट में जीतता है कि नहीं जीतता है। और अगर दोस्तों नहीं जीता हमारा पिटबुल तो गाइस मैं डेफिनेटली उसके सामने रखने वाला हूँ अपना हस्की, जो भी दोस्तों फ्रैंकलिन का है। फ्रैंकलिन हस्की एंड माइकल ब्लैक पिटबुल डॉग वर्सेस, आप लोग समझ गए हो, लेस्टर लैबवेलर, ठीक है। तो जैसे ही गाइस मैं ऊपर की तरफ में चलता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं घूम घूम के आता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकलिन ऑलरेडी हमारे ब्लैक पिटबुल को लाके यहाँ पर बैठा हुआ है। और गाइस इनके बीच में पता नहीं बातें हो रही हैं या फिर फाइट अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली थी या पता नहीं क्या हुआ गाइस, यहाँ पर जो इन लोगों ने काफ़ी तगड़ी फाइट को स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग देखो गाइस यहाँ पर जो फाइट स्टार्ट हो गई है और जैसे ही गाइस ब्लैक पिटबुल उसके ऊपर कूदा, लैब विलर ने दोस्तों एकदम काउंटर अटैक कर दिया। और गाइस लैब विलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिल रहा है अभी यहाँ पर, आप लोग खुद देख पा रहे हो। ब्लैक पिटबुल बेचारा जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और इसी की हेल्प करते हुए गाइस हम लोग लेके आएंगे अपने हस्की को। तो गाइस अब आप लोग देख पा रहे हो, ओपे भाई टीने में उसका सर, मतलब उसके नीचे से थोड़ा खून बह रहा है। ओके गाइस तो ये काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस होकर गिर गया है और ये डॉग को तो लगता है गाइस मार ही डालूँ मैं। मतलब गाइस हमारा ब्लैक पिटबुल आप लोगों ने देखा, जस्ट थोड़ी सी फाइट आप लोगों को देखने को मिली और यहाँ पर जो टीना था जो उसका पेन नोकीले चीज़ होती है वो दोस्तों उसके पेट में लग गया है और जिसके कारण से दोस्तों उसकी जो है मतलब अनकॉन्शियस होकर गिर गया है। बाकी ये दोस्तों लैब विलर मुझे भी यहाँ से भगाने की फिराक में है क्योंकि गाइस फ्रैंकलिन यहाँ पर इसके लिए घर लेके आया हुआ था जो कि था पेट हाउस। भाई पागल है लेस्टर का कुत्ता, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो गाइस कितना ज़्यादा खूंखार है ये बंदा। अब आ जा बेटा ले, मैं बाहर आ गया, अब क्या करेगा, आ जा अब क्या करेगा तू। ओके गाइस तो उसने कैसे ना कैसे करके रास्ता ढूंढ लेता, भाई कुत्ता है वो। ओके तेरे को बेटा कल बता। ओ भयंकर ये मेरे को छोड़ ही नहीं रहा यार, मैं कार में बैठ जाता हूँ जल्दी से और देखते हैं गाइस कल हम जो फाइट करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने ब्लैक पिटबुल की, जो कि अभी हम लोग ठीक करवा लेंगे वेटनरी डॉग से, वेटनरी डॉक्टर से। उसके बाद गाइस हम लोग जो है हस्की को लेके आएंगे, क्योंकि गाइस हस्की ने अभी जस्ट माफिया के साथ एक फाइट हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, भाई ये कुत्ता छोड़ ही नहीं रहा गाइस। अब मैं इससे पीछा छुड़ाता हूँ, आप लोग करो वीडियो को लाइक और चैनल पर तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई इसको मारो चाहे कुछ भी करो गाइस, लैब विलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बाय बाय। See you in next video.